प्रधानमंत्री अभी तक हम कोई सुनवाई नहीं करी है, मजबूरी होकर कार्यक्रम करना पड़ता है। जब हमने प्रधानमंत्री को कितना कितनी उससे बुला रहे हैं, पर प्रधानमंत्री अभी तक हमारी कोई मांग नहीं है। लोग 3 महीने से ज़्यादा हो गया बैठे हुए, हम लोगों ने बच्चे लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्री को खून से चिट्ठी लिखा। उसके बाद में फिर हमने कफन का कार्यक्रम किया, मोमबत्ती का कार्यक्रम किया, तो प्रधानमंत्री तब भी हमारी बातें सुन रहे हैं। फिर अभी जब हम प्रधानमंत्री कार्यालय पर कफन ओढ़ कर सोए थे तो पुलिस वाले हमें गिरफ्तार कर ले गए, और हमारे जो साथी उन लोगों को तिहाड़ जेल में रखा गया है, उन लोगों को छोड़ नहीं रही है सरकार। हम चाहते हैं कि हमारे साथियों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि हमने ना तो चोरी की है ना डाका डाला है। फिर हमें किस जुर्म के लिए अंदर डाला गया है, तिहाड़ जेल में रखा गया हमारे 22-23 साथियों को, हम चाहते हैं छोड़ दिया जाए। प्रधानमंत्री से हम चाहते हैं कि हमारी मांगें पूरी कर दी जाए। हमारी कोई नई मांगे नहीं है कि जो हम नई मांगे लेकर आए तो भोपाल से दिल्ली तक पैदल आएँ, कोई वजह होगी जिसके लिए हम आए तकलीफ उठाएँ, जिसकी वजह से हमें पैदल आना पड़ा। आज से 2 साल पहले भी हम पैदल आए थे, तब भी प्रधानमंत्री जी ने हमसे वादा किया था कि हाँ आपकी सभी मांगें पूरी हो जाएंगी, लेकिन अभी तक एक भी मांग पर अमल नहीं किया गया। इसलिए हमें मजबूर होकर दूसरी बार फिर दिल्ली तक पैदल चल के आना पड़ा। भोपाल से दिल्ली तक 800 किलोमीटर की दूरी तय करके लोग भोपाल तक आए, इसमें बच्चे से लेकर तो बूढ़े 80-80 साल तक की महिलाएं थी जो तो भोपाल से दिल्ली तक पैदल आई। इसके बाद भी प्रधानमंत्री की आंखें नहीं खुल रही है, प्रधानमंत्री हमारी एक बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और प्रधानमंत्री कंपनियों से कहना क्या कहते हैं, क्या हाथ मिला रहे हैं और हम लोगों की जानों को कहना जाने ले रहे हैं, तो प्रधानमंत्री हम लोगों की जिंदगी प्यारी नहीं है, कंपनियों की साइडगार्ड प्यारी है। हम चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जी आप कंपनियों से साइडगार्ड बंद करें, हम गरीब लोगों की तरफ कुछ तो देखें, हम लोगों की तरफ देखें कि हम लोग किस तरह से मर रहे हैं, वहाँ का पानी कैसा जहरीला हो चुका है, इसकी वजह से बच्चों में जमजात विकृति आ रही है, बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, उन लोगों से काम धंधा नहीं बनता है। मैं खुद अपना स्कूल बैग लेकर स्कूल तक नहीं जा पाती, मेरी सांस फूलती है, चल फिर नहीं पाती, कई तरह की बीमारी हम लोगों में पाई जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री खूब गूंगे बहरे बन कर बैठे हुए, सरकार बिल्कुल सुन नहीं रही है। अभी भाजपा ने डाव केमिकल से चंदा लिया है, वही डाव केमिकल जिसने कि हम लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, पर सरकार अब भी बाज नहीं आ रही, सरकार की अभी तक आँखें नहीं खुली है, फिर भी वो उन्हीं लोगों से हाथ मिला रही है। मैं कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी आप बस कीजिए कि अब हम लोगों से ये सब सहा नहीं जाता, हम प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि वो हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी कर दें। आज हम लोगों को भूखहड़ताल पर बैठे हुए 5 दिन हो गए, हमारे साथ ही लोग भूखहड़ताल पर 5 दिन से बैठे हुए हैं, जो 2 लोग हैं वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, जो जेल में बंद है उन्हें 5 दिन हो गए, वो भी भूखहड़ताल पर बैठे हुए हैं, और आज हम सभी बच्चे लोग 24 घंटे की भूखहड़ताल पर, उसमें मैं, यास्मीन, रफत, आमिर और अभिषेक, हम सभी लोग जो तिहाड़ जेल लेकर गए वहाँ इतनी बदतमीजी करी है। महेंद्र सिंह तो उस दिन पीएम था, लड़कियों को ज़बरदस्ती घसीट रहा था, लोगों को मारा, औरतों के दुपट्टे छीन लिए, और जब प्रधानमंत्री कार्यालय से हम लोगों को उठाया गया तब वहाँ पर लेडीज़ पुलिस नहीं थी, सिर्फ जेंट्स पुलिस ने उठाया गया, और इतनी बदतमीजी की गई है, लोगों औरतों को गालियाँ दी गई, ज़बरदस्ती करके उन्हें जेल के अंदर डाला गया, और जब हम लोगों ने इसका विरोध किया तो वो लोग हम लोगों को मारने लगे, पर तब भी हम पीछे नहीं हटे, उन्होंने हमें मारा, क्या कहते हैं, धक्के दिए, गालियाँ दी, उसके बाद भी हम लोगों ने हार नहीं मारी, हम लड़ते रहे, अभी भी हमारे 23 लोग जेल के अंदर, हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द रिहा हो जाए।